हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ डीएवी मैथमेटिक्स क्लास 8 वर्कशीट 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो इसमें हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम जस्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, तो हमें क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको देखना है। हमें पता है जो ये प्लेस होती है ये हमारी वंस प्लेस होती है, ये हमारी टेंस प्लेस होती है। ठीक है, अगर दो डिजिट है तो ये हमारी वंस प्लेस होगी, ये हमारी टेंस प्लेस होगी। तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ वंस प्लेस को देख के ही हमें बताना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम इक्वेशन कैसे कर सकते हैं कि हम सिर्फ उसको देख के बता सकते हैं कि ये है कि नहीं। हाँ, तो हमें जो इनके जो वंस प्लेसेस हैं उनको देख के हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए, वी नो दैट नो स्क्वायर नंबर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। ठीक है ना, हमें पता है कि कोई भी जो नंबर है, जो स्क्वायर नंबर होता है, वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होता। ठीक है ना, तो हमें पता है, जैसे इसका आने का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लिखें, हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना, देखिए, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो स्क्वायर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर्स जो हैं वो हमारा जो 2 से एंड नहीं हो रहा। देखेंगे ना, हमारे पर 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ये सब हैं, लेकिन कोई भी जो नंबर है हमारा 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं हो रहा है। ना ही 2, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8, बाकी सभी नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट, ये आपने बात ध्यान रखनी है, नो स्क्वायर नंबर्स एंड्स इन 2, 3, 7 और 8 फुल स्टॉप। वी कैन, हम देख सकते हैं कि हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। वी कैन ईजिली इन्फर दैट 1022 and 1027 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे जो दो नंबर्स हैं हमारे 1022 and 1027, देखिए 1022 and 1027, ये हमारे कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ध्यान रखिए, ये जो नंबर है 2, 3, 7 and 8, ठीक है ना, ये नंबर अगर ये किसी भी नंबर के पीछे है तो मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 1026 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1024 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 1022 and 1027 दे बोथ आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। सो हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इसको रीड करते हैं। हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। हमारे पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 40 स्क्वायर 41 स्क्वायर, तो ऐसे हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जो स्क्वायर नहीं है हमने ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ जो आपके माइंड में रखनी है वो है, आपको लिखना है देयर आर 2n, देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर अरे यार चुप हो देयर आर 2 नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर देयर आर 2 नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स
एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर। देखिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इस चीज़ का मतलब समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इससे हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं देयर आर टू एन नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर। देखिए हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं, हम ले लेते हैं, यह है सेवन का स्क्वायर एंड हमारे पास है एट का स्क्वायर। तो पहले हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम देखनी है दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद आते हैं। एक के बाद आने का मतलब है कि जैसे एट के बाद नाइन आ रहा है, तो एट एंड नाइन दे आर कॉन्जिक्यूटिव। नाइन के बाद टेन है, तो वो दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह जो सेवन और एट है दे बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है ना, हमें पता है अगर एन हमारा सेवन है तो हम एट को भी सेवन प्लस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर ये हमारा एन स्क्वायर है एंड ये एट हमारा सेवन प्लस वन स्क्वायर है, ठीक है, जिसको हम एन प्लस वन स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना, वो है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, तो हम कितने होंगे, टू एन नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे पास। तो मतलब टू एन जो है नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आएंगे। तो एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, सेवन, तो टू को हम सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आंसर वुड भी कितना होगा, सेवनटीन, सॉरी 14, ठीक है ना। इस हेलो एवरीवन, सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर वन ऑफ क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना था, हमने इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने थे कि कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने एक बेसिक फार्मूला लर्न रखना है, वो है हमारा 2n। ये हमारा एक फार्मूला है, हमने बस इसको लर्न रखना है और ये सभी क्वेश्चन हम उसी के साथ सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हमने इनके बीच में देखने के कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में। तो आपने एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पर लिखना है देयर आर टू एन नेचुरल numbers lying between two consecutive perfect square numbers n square and n plus 1 square। हम देखेंगे हमारे पास जो टर्म है क्वेश्चन में सेकेंड में, वी हैव 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेयर वी हैव, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 10। देखिए अगर हम n यहाँ पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारी, और हम 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी हमारी। तो इसलिए जो हमारी n की वैल्यू क्या होगी, वो हमारी 10 होगी। तो हमने इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देनी है। सो देयर आर, हम अगर इसको 2n में पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 10 है, इट वुड बी 20। सो देयर आर 20 नेचुरल numbers between 10 square and 11 square। yes, तो हमारा अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 80 square and 81 square। तो इसमें अगेन हम 2n का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 80 एंड द आंसर वुड बी 160। तो हमें सेम ये सभी क्वेश्चंस में करना है। लेट्स स्टार्ट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 101 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर। अगेन हम यहाँ लिखेंगे 2n, वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ n। अब आप बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। यस, इट वुड बी 101। तो हम इसको 101 लिखेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 202। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर। अगेन हमें इसके 2n में इसको पुट करना है, n की वैल्यू हमारे पास 40 है, इट वुड बी 80। तो ये देखिए, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं।
जिसमें हमने ये सब क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सो हेलो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स. तो ये जो हमारे बॉक्सेस हैं हमने इसमें करेक्ट नंबर डालना है. तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. वैसे यहाँ पर हमारे पास जो अगर इसका मेन रीज़न हम देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. वी नो वेरी वेल कि ए की वैल्यू यहाँ पर 100 है, माइनस का साइन है, उसके बाद 99 का स्क्वायर है. तो हम इसको ए प्लस बी मीन्स 100 प्लस 99 एंड 100 माइनस 99 करके भी लिख सकते हैं. लेकिन जो इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करना चाहें तो ये जस्ट ऐसे ही आपने ध्यान रखना है. कभी भी हमारे पास अगर ऐसे नंबर्स हैं, यू कैन सी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद लाइक 99 के बाद डायरेक्ट 100 आता है, 26 के बाद 27 आता है, 68 के बाद 69 आता है. तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट जनरली इनको ऐड काउंट कर देना है. यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस 99 इस तरह. तो ये हमारा 199 आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है. उसके बाद हमारे पास 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर है. यहाँ पर आपने इनका स्क्वायर नहीं करना है, आपने ये ध्यान रखना है. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा. हमारे पास सिंपल बेसिक मेथड है, यहाँ पर बस आपने इनको ऐड ऑन कर देना है. यहाँ पर 26, तो जो हमारा इनको हम दोनों इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53 यहाँ पर. उसके बाद 569 और 568 हैं, हमने अगेन इनको ऐड कर देना है नॉर्मली. जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे लाइक देखिए सेम आपने लिखनी है, बस ऐड का साइन डाल देना है. जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1137. तो इस तरह हम जो है इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. आपको पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने दोनों नंबर्स लिखने हैं, ऐड का साइन डाल देना है और इनको ऐड करके ये सॉल्व कर देना है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो ये स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है. हमारे पास ये जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं कि ये देखिए हमने उन्होंने ये दो पैटर्न्स जो हमें दिए हैं हमने इनको फॉलो करके मिसिंग नंबर्स निकालने हैं, बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमें दिया है 121 दिया है, एंड उसके बाद उन्होंने न्यूमिनेटर में हमारे पास 22 का स्क्वायर दिया है, एंड नीचे 1 2 + 1 किया हुआ है, 1 + 2 + 1. तो ये देखिए जो नीचे वाला पैटर्न है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन्होंने इन तीनों नंबर्स को ऐड किया है यहाँ पर 1 + 2 + 1. और सेम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे डिनोमिनेटर में उन्होंने 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इनको ही ऐड किया हुआ है, ठीक है. तो जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पैटर्न है वो हमें पता चल गया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको सिंपली ऐड किया है. उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर में कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर उन्होंने 2 के नीचे एक हाईलाइट किया हुआ है, 2 को लाइक अंडरलाइन किया हुआ है 2 को, ठीक है ना. हमने देखा कि 2 के बाद कितने डिजिट थे, ओनली 1 डिजिट था, ठीक है ना. तो इन्होंने जिस नंबर को हाईलाइट किया है और उसके बाद जितने डिजिट हैं, लाइक इन्होंने 2 को हाईलाइट किया है, 2 के बाद 1 डिजिट है, 2 लिखा, उसके बाद एक टाइम फिर से दोबारा 2 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया. एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट से, 2 डिजिट से, उन्होंने 3 को लिखा, उसके बाद कितने डिजिट से, 2 डिजिट थे, तो 2 टाइम्स उन्होंने 3 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है. तो हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमने जस्ट ये पैटर्न देखना था, उसके बाद हम इनको लिखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं. हम देखेंगे कि हमारे पास जो है, पहले तो हम क्या करेंगे, हम इनका डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है. हमारे पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है. ये हमारे डिनोमिनेटर में आएगा. न्यूमिनेटर में हमने देखा कि हमारा जो 4 है, ठीक है ना, हम 4 को लिख लेंगे एज इट इज़. उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हम 3 टाइम्स क्या डाल देंगे, यहाँ पर 4 डाल देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे. तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन गया है यहाँ पर. तो सेम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर हम जैसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इनको ऐड ऑन करके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, देखिए तो ये सारा चला गया. उसके बाद हमने देखा कि ये जो 5 है, 5 के नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मतलब हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, हमारे 4 डिजिट्स हैं, तो मतलब हमारा 5 कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 2 3 4, और उसका स्क्वायर आ जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा. हमने बस यहाँ के जो पैटर्न्स हैं उनको वो देखना है कि वो कैसे फॉलो हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये आंसर्स बनाने हैं. हेलो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8.
तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसमें मैं क्या कहना चाह रहे हैं वो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हमने फिर से यहाँ पर एक पैटर्न देखना है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है. ठीक है, और हमने ये जो ब्लैंक्स दिए उनको फिल करना है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, उसमें हमने 3 ऐड किया तो इन्होंने इक्वल्स टू 2 स्क्वायर लिखा हुआ है. फिर हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 करके 3 स्क्वायर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करके इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन है. तो हमने एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड डिजिट नंबर इज एन स्क्वायर. तो इनके कहने का क्या मतलब है, उन्होंने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड डिजिट नंबर. तो हमारे पास जो कॉन्सिक्यूटिव होता है उसका मतलब होता है कि लगातार या एक के बाद कोई टर्म आ रही है. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 दे आर इन कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर. ठीक है, अगर मैं लिखूँगी 2 मैं लिख दूँगी 7 and 3, 9 तो ये कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है. अगर मैं वही लिख दूँ 17, 18, 19, 20 सो यस दे आर इन कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर. ठीक है, तो हमारा जो सम होता है फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का, हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है. जो ऑड नंबर्स होते हैं वो टू के साथ डिविजिबल नहीं होते. ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड डिजिट नंबर इज एन स्क्वायर. ठीक है, तो उनके कहने का मतलब है कि अगर जो सम है फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, हम देखा ये दोनों ऑड हैं. ठीक है, डिजिट नंबर इज एन स्क्वायर. यहाँ देखिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे हमारे पास 1 + 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर था. तो आप ज़रा डिजिट काउंट कीजिए यहाँ पर कितनी है. ये है 1 डिजिट और ये है 2 डिजिट. तो इनका इन्होंने 2 का स्क्वायर लिख दिया. हम नेक्स्ट में देखेंगे 1 + 3 + 5 तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3. दैट मीन क्या आएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर. तो वैसे ही हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. 1, 2, 3, 4 तो हमने यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया. नाउ अगेन हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारा यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर. एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, आई होप आपने 1 से लेके 10 तक एटलीस्ट जो स्क्वायर हैं वो नंबर लर्न कर लिए होंगे. देन इट वुड बी ईजी फॉर यू. हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, यस इट वुड बी 36. राइट, अब देखिए हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड उसके बाद उन्होंने एन टर्म तक बोला है, लाइक 11, 12, 13, 14 मतलब बहुत ही कोई इन्फाइनाइट टर्म तक उन्होंने बोल दिया. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर. तो देखिए इस तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था. एंड आपने ये प्रॉपर्टी जो है इसको याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन. ठीक है, उन्होंने हमें यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको ट्रिपलेट्स बोला गया है. ठीक है, और उन्होंने बत पूछा है कि कौन से इनमें से पाइथागोरियन है. तो देखिए इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर m. ठीक है, हमने एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर को m मान लेना है. फॉर एग्जांपल हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 3, 4 and 5 हमने इसको लिया है, हमने इसको सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले तो हमने एक चीज़ सीखनी है कि हमारे पास क्या है, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर m हमारे पास होता है 2m m² - 1 और m² + 1 ये चीज़ें होती है हमारे पास. और जो यहाँ पर m की वैल्यू है वो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है. मैंने इवन नंबर आपको बताए हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ईजली एंड डायरेक्टली डिविजिबल बाय 2 और जो ऑड नंबर होते हैं वो इसके ऑपोजिट्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2m m² - 1 m² + 1 हमने बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और देख लेना कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछे हैं तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा. इट वुड बी 3, 5 और 4. देखिए जो हमारा 5 है वो एक इवन नंबर नहीं वो ऑड नंबर है और जो हमारा 3 है वो भी एक ऑड नंबर है तो बच क्या गया 4. तो हमारी जो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी. हम पुट कर देंगे 2m = 4
तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ठीक है, तो हमने ये नंबर्स हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखेंगे लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर m। हमने देखना है कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उसकी वैल्यू हमने क्या लेनी है, 2m लेनी है। सॉरी, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2m। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा वो 2m के इक्वल होगा। स्मॉलेस्ट इवन हमने देखा 4 है, तो वो 2m के इक्वल लिख देंगे हम 4। हम यहाँ m की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2 के साथ m यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके वो 4 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m यही रह जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 2 2 4। हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब बाकियों में हम देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकियों में इसको पुट करके देखेंगे ये m की वैल्यू। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू 2 थी तो 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 2 2 4, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है हमारा। उसके बाद हम करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 4 प्लस 5 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हमने 2m भी चेक करना है कि वो हमारा सेम है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 थी तो ये 4। तो आप देखेंगे हमारे पास सेम नंबर्स यहाँ बन चुके हैं जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में थे, राइट। तो हमने एंड में क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमने जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐसे ही हमने सॉल्व कर लेना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6 7 8। तो अगेन हम यहाँ देखेंगे 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है, जैसे मैंने बताया था अभी क्वेश्चन फर्स्ट में, जो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है हम उसकी वैल्यू 2m के इक्वल लिखते हैं। हमने पता देखना है कि हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है। ये देखिए, ये तो ऑड नंबर है, राइट, तो 7 तो आएगा नहीं। 8 and 6 में से हमें देखना है कि हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 6 है, तो हम लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 6। m यहीं पर रह जाएगा, 6 by 2, 2 से 6 कैंसिल, 3 आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू। अब हमारी m की वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। अब m की वैल्यू 3 होने पे हम यहाँ पुट कर देंगे 2m में, 3 into 2, ये हमें पता ही है 6 आएगा। हम पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में, हमारा 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और हमारा आएगा m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट्स आ रहे हैं 6 10 और 8 आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रिपलेट्स थे वो थे 6 7 and 8। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ओके, सो लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1 आर क्या वैल्यू है, 6 10 8। सो दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ओके। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 24 and 26, जो इसका थर्ड पार्ट है। हम अगेन देखेंगे हमारे पास 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यूज देखेंगे। हमें पता है 2m हम किसके इक्वल लिखते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर की। अब देखेंगे यहाँ पर स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन से हैं, देखिए तीनों ही हैं जो वो हमारे इवन नंबर्स हैं, ये 2 से डायरेक्टली डिवाइड होते हैं। जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो है 10, तो यहाँ m की वैल्यू 10 by 2 5 आ जाएगी। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, बस हमने इनको पुट कर देना है। 2m इज इक्वल टू 2 multiply by 5 इज इक्वल टू 10। उसके बाद आएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू 5 है, प्लस 1 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 plus 1 इट वुड बी 26। लेकिन देखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 5 ज़ा 25, 25 minus 1 24। तो हमारे पास क्या ट्रिपलेट्स आ गए हैं, हमारे पास 10 आया है, हमारे पास 26 आया है, 24 आया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये वाले ट्रिपलेट्स, हमारे ये वाले ट्रिपलेट्स तीनों दोनों सेम हैं, राइट। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 3 4। ठीक है, तो अगेन हम इसमें यही करेंगे, हमने क्या करना है 2m इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट
क्या देखना था हमने, इवन नंबर देखना था. वेरी गुड. तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा. m की वैल्यू 4/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल. ये देखिए हमने यहाँ डिवाइड करना है, हमें पता है 4 2 के टेबल पे 2 पे आता है. तो m की वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारी 2. अगेन हम पुट करेंगे 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5. अगेन m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3. तो हमारे पास यहाँ ट्रिपलेट्स क्या आ गए हैं, 4 5 एंड 3. तो आप बताइए ये ट्रिपलेट्स और ये ट्रिपलेट्स आर दे सेम, नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 3 एंड 2 है, लेकिन हमारे पास 4 5 एंड 3 है. राइट, हमारे पास यहाँ 5 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है. ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस. हम देख लेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3. ठीक है, तो मतलब ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. ओके, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और मेरे और वेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई और डाउट है या फिर आप कोई और वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं. तो थैंक यू सो मच.